ब्रेडफोर्ड के मकामी रेस्टोरेंट में नून लीग आजाद कश्मीर ब्रेडफोर्ड के सदर जावेद कादर ने चौधरी शाहनवाज रांझा साबिक एमपीए सरगोधा के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें ब्रेडफोर्ड और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से नून लीग के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीला जानते हैं मोहम्मद मुस्तफा से। जी मोहम्मद, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रेडफोर्ड में और आज यहाँ पे मकामी रेस्टोरेंट में नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब जावेद कादर साहब की जानिब से नून लीग पाकिस्तान के जनाब हाजी शहनवाज रांझा साहब के आजाज़ में यहाँ पे आज इस्तकबालिया दिया गया और नून लीग के बहुत सारे कारकुनान ने यहाँ बाकायदा शिरकत की। आइए हम इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर बरतानिया में मीडिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत मेरे हर मामलात में हर जितनी मीटिंग्स हुई हैं उनको बाकायदा टाइम दिया है और मैं इसके साथ बरतानिया में हमारे पाकिस्तानी मुकीम जितने दोस्त आज़ाद कश्मीर के दोस्त जितने प्यार और मोहब्बत उन्होंने दिया है मुख्तलिफ शहरों में मैं अजलास करके आया हूँ, कन्वेंशन करके आया हूँ, तंजीमी कन्वेंशन की है मैंने। ये बिल्कुल गलतफहमी है। मियाँ साहब का बयानिया जो है उस पर सारे अमल करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के सारे पीछे हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो, हमजा साहब हो, कोई भी हो, कोई भी हमारा ऐसा इख्तलाफ नहीं। छोटी मोटी सोच होती है, हर बड़ी पार्टी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन नहीं, मियाँ साहब के सारे जो हैं वो सारे उनके साथ है। जहाँ तक आपने पहले बात की ना कि अमल दखल, हम ये चाहते हैं जो अदारे हैं ना, चाहे जुडिशल है, चाहे आर्मी का है, चाहे सिविल वाले हैं, कोई भी अदारा जो है ना वो अपने अपने इदारे अपने अपनी जगह पर काम करें, जो जो उनका काम है। जी बिल्कुल, इनका कहना आपने सुना। इनका कहना है कि जो इदारे हैं उनको अपना काम करना चाहिए और उनको चाहिए कि हमें भी अपनी जगह पे, हमें जो पार्टी के अंदर रहते हुए, कवानीन के अंदर रहते हुए जो हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उन कामों के अंदर जो है उनको रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और इनका ये कहना है कि बरतानिया के अंदर मेरा ये जो दौरा है, मैं एक सर्वे भी कर रहा हूँ।